नमस्कार। आज मकर राशि के विषय में कुछ बहुत जरूरी महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने। मकर राशि वालों के लिए प्रसन्नता की बात भी बहुत अच्छी अच्छी लेकर आया हूं। आपके लिए जो नवंबर का महीना है और दिसंबर का कैसा रहेगा, नवंबर में मानसिक तनाव के साथ साथ गुप्त परेशानियां, अपने जो निकट संबंधी हैं उनसे थोड़ा सा मनमुटाव जरूर रहेगा। घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्र जो है, जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ दिक्कतें अड़चन आ रही हैं। कैसी दिक्कतें? कोई पड़ोसी दुकानदार आपको कुछ टेंशन देगा, किसी दीवार पर, नाली पर या गंदगी के ऊपर कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा। कभी दिमाग में आएगा दुकान बदल दूं या नौकरी बदल दूं, इस प्रकार के विचार, अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी मन में आ सकती है। क्रोध और उत्तेजना अगर आप करेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। शांति से बैठें, आपका काम चलेगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशी जरूर आएगी, बस उसका इंतजार कर, खुशी आने वाली है। 7:30 चल रही है, खत्म होने वाली है। जब ज्यादा थका हुआ होता आदमी, थकने के बाद, काम करने के बाद जब रिलैक्स मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। देखिए, आपके जेब में 99 रुपए हैं, 1 रुपया नहीं है, तो आपको ये लगेगा एक और मिल जाए तो 100 हो जाएंगे, भूल जाओ। 99 रुपए जेब में है उसकी खुशी मनाओ, और आगे 1 रुपया तो पता नहीं कितने रुपए आपके पीछे घूमने वाले हैं। दिसंबर के महीने में 15 तारीख के बाद आपकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। दिसंबर के महीने में 12वें स्थान में बुध और शुक्र का योग होगा, सुख साधन मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, ऐशो आराम, विलासिता के ऊपर खर्च होगा, लग्जरियस चीजों के ऊपर, और बनते हुए जो कार्य हैं, बिगड़े हुए धीरे धीरे सुधार होगा। जो बहुत साधन संपन्न आदमी है उनको जहाज की यात्रा, रेल की यात्रा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी दिसंबर के महीने में, और पारिवारिक जो वातावरण है वो बहुत बेहतर होगा। और जो शत्रु हैं आपके, थोड़ा सिर उठाएंगे, परेशान करेंगे, और शत्रु और कौन से शत्रु हैं? अगर जो मकर राशि का व्यक्ति नशीली वस्तुओं का सेवन करेगा उसका काम बिगड़ेगा, वही उसका जो व्यसन है, उसकी जो बुराई है, वही उसका शत्रु है। शराब पीना, मदिरा पान, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ कर खाने वाले जो मित्र हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाएं तो आपका अच्छा होगा। उसके बाद तो अप्रैल में और जनवरी में आपका साम्राज्य स्थापित होगा। मकर राशि की मौज आने वाली है अभी, तो मैं शुभकामनाएं दूंगा सभी मकर राशि वाले, खुशी रहेंगे, सुख प्राप्त करेंगे। एक बात मैं हर बार भूल जाता हूं, सभी मकर राशि वालों के लिए नहीं बल्कि सभी जो भी वीडियो को देखेगा, जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। किसी का नाम ज अक्षर से ख से रख दिया वो अलग मैटर है, ये जो प्रिडिक्शन है उसके लिए एप्लीकेबल है जिनकी कुंडली में मकर राशि है। कुंडली के अनुसार, जन्म की राशि के अनुसार और बोलते नाम से इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी माताजी के लिए स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप कोई पशु पालते हैं उसके लिए बीमारी का समय अच्छा नहीं है, और स्थानांतरण, जॉब को लेकर के अनिश्चितता, और जो ऐसी नौकरी में सरकारी, उनको अचानक दूसरी जगह जाना पड़ेगा ट्रांसफर पर, बच्चे कहीं रहेंगे और आप कहीं नौकरी करेंगे, इस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं। और जनवरी के बाद आपको कोई परेशानी छू नहीं सकती, अप्रैल के बाद आपके प्रमोशन भी होंगे, बहुत खूब भीड़ आएगी प्रमोशन की मकर राशि के लिए।
तो इस वीडियो में आज इतना ही, और आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि साढ़े साथी का असली ट्रीटमेंट यही है। धन्यवाद, नमस्कार।